हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हरिद्वार की धर्म संसद पर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, हिंदुत्व से इसका कोई लेना देना नहीं। बीते दिनों हरिद्वार की धर्म संसद में दिए गए बयानों को लेकर काफी विवाद हो रहा था। इस मामले में बसीन रिजवी उम्र जितेंद्र त्यागी की गिरफ्तारी भी हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि इस तरह की धर्म संसदों का आयोजन हिंदुत्व की विचारधारा से अलग है, इसका हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। भागवत ने इस योजना को लेकर दुख व्यक्त किया है। भागवत हिंदुत्व और राष्ट्रीय एकता विषय पर भाषण दे रहे थे। नागपुर में एक अखबार के 50 साल पूरे होने के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भागवत ने कहा कि हिंदुत्व कोई वाद नहीं है, इसका अंग्रेजी अनुवाद भी हिंदूनेस होता है। रामायण और महाभारत में तो कहीं हिंदू भी नहीं लिखा है, इसका उल्लेख गुरु नानक देव ने किया था। ये काफी लचीला है और अनुभव के हिसाब से इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि निजी फायदे या फिर शत्रुता के लिए कोई बयान देना हिंदुत्व नहीं है। आरएसएस चीफ ने कहा कि संघ या फिर जो लोग भी सही रूप से हिंदुत्व को मानते हैं, वे इसके बिगड़े हुए अर्थों पर ध्यान नहीं देते, वे विचार करते हैं और समाज में संतुलन बनाने का काम करते हैं। बता दें कि हरिद्वार की धर्म संसद का वीडियो वायरल हो गया था, जिसमें अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था। ये वीडियो 17 से 19 दिसंबर के बीच का था। इसी तरह का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के रायपुर में 26 दिसंबर को हुआ था। यहाँ कालीचरण महाराज ने कथित तौर पर महात्मा गांधी के विरुद्ध भाषण दिया था। जागरूक टीवी की नई दिल्ली से खास रिपोर्ट।